जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने आज क्लास ट्वेल्थ का पार्ट फाइव लेकर आया हूं। अगर आप जेईई मेंस नीट और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल और यह वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फाइव नहीं देखें, ये पार्ट फाइव है लेकिन पार्ट फोर तक अगर आप नहीं देखें तो नीचे लिंक दिया जाकर वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज ये है, आज हम ये लास्ट चैप्टर, ये मतलब ये जो सेक्शन है ये लास्ट है, मतलब ये लास्ट पर वीडियो है और इसके बाद एक नया आएगा इसी चैप्टर का, ये न्यूमेरिकल पर आधारित रहेगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज हम निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बताया हूँ लेकिन चलिए फिर से रिविजन कर देते हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या था। वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय था जिनमें दो आवेश होते थे, लेकिन वो आवेश कैसे होते थे भैया, दो प्राकृत के सेम प्राकृत के होते थे लेकिन उनका जो नेचर था अलग अलग था, माइनस और प्लस था, और ये बहुत ही नज़दीक दूरी पर थे। और नज़दीकी दूरी क्या था, 2L। ये जो 2L है ये बहुत बड़ा नहीं है, बनाने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटे, बहुत नज़दीक है, जैसे HCl में रहता है, मतलब ये बहुत ही दूरी पर होते हैं। तो यही निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। और यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता था वो भी हम निकाल देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 होता था, 1/4πε0 और q/r2। ये पहला फार्मूला, और दूसरा फार्मूला, ये पहला फार्मूला था FE = F/q, और इसी से ये फार्मूला निकला था, इसी से ये फार्मूला क्या हुआ था, निकला था। अच्छी बात है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। डायमेंशन भी हम सब कुछ निकाल चुके थे। पहले आप यहाँ थोड़ा एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं रिजल्टेंट निकालने का। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए कि एक मेरा फोर्स F1 इधर है और एक F2 फोर्स इधर है, इसका रिजल्टेंट मतलब चीरता हुआ तो इनका यही रिजल्टेंट होता है, ये क्या होता है रिजल्टेंट। तो F = क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अगर यहाँ एंगल थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा F1² + F2² + 2F1F2 cos θ। लेकिन यहाँ हम जो लेंगे वो हमेशा cos थीटा का जो मान लेंगे, थीटा बराबर 90° लेंगे, तो अगर cos 90° का मान कितना होता है, 0, इसलिए F1² + F2² हमेशा हम लेंगे। क्लास 11th में था। और दूसरी चीज़ कि ये कि जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए 90° है और ये क्या है, थीटा है। अच्छी बात है, तो जो थीटा रहता है, थीटा के सामने हमेशा कॉज रहता है, कैसे होता है वो भी डिफाइन करते हैं। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार। मान लीजिए बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस। अगर मैं पूछूं कि कॉज थीटा का मान कितना होता है, तो कॉज थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आधार का मान मिल गया कर्ण इंटू कॉज थीटा। मैंने वही कहा जिधर एंगल होता है उधर कॉज होता है, जिधर एंगल उधर कॉज। अब अगर मैं पूछ लूँ कि इस लंब का मान कितना होगा, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का अगर मान निकालना होगा तो कर्ण का गुणा कर देंगे तो ये कर्ण का ये मान हो जाएगा, था लंब का जो हमारा मान होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ थीटा है, जैसे मान लीजिए क्या है थीटा, और अगर हम इसको, जैसे भाई दुए तरीका है, जैसे मान लीजिए कोई बल लगा रहे हैं तो हम कह देंगे ये कौन सी बल में जा रहा है, तो आप बता देंगे कि एक्स डायरेक्शन में बल लग रहा है। ये किस डायरेक्शन में बल लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। अच्छी बात है, आप बहुत टैलेंटेड है। आगे मैं कह दूं कि ये कौन सी बल में लग रहा है, किस डायरेक्शन में, तो आप बहुत बोलेंगे कि वाई डायरेक्शन में लगेगा, बहुत अच्छी बात है। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में। जरा ये बताओ हाई कौन डायरेक्शन में लगेगा भैया, तब तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, तब कहोगे सर जी यहाँ कोई एंगल तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, चाहे यहाँ से एंगल बनाओ चाहे इधर से एंगल बनाओ, एंगल तो बनेगा ही बनेगा, बहुत अच्छी बात है। तब ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप ये मत कहना वाई एक्स डायरेक्शन, नहीं, तब ये कहना, जैसे मान लीजिए अगर ये थीटा है तो इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में हम तोड़ेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। अर्थात ये जो फोर्स था, मान लीजिए एफ दो भागों में टूट गया, एक एफ इधर और एक एफ इधर। अच्छी बात है, जिधर कॉज उधर, जिधर थीटा रहता है उधर कॉज आता है और उसके ऊपर क्या होता है, साइन थीटा। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई फोर्स है लग रहा, हमें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उस फोर्स को दो भागों में तोड़ लेंगे, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन में। जिधर थीटा रहता उधर कॉज और जिधर थीटा नहीं रहता उधर क्या होता है, साइन। बहुत ये मत रखना कि ऊपर वाला हमेशा साइन होता है, ये मत रखना, केवल ये देखो जिधर थीटा रहता उधर कॉज, बाकी जो बटा वो साइन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि अच्छे स्थिति में, मतलब इन ऑन पोजीशन क्या होता है। चलिए भैया अच्छे स्थिति में हम निकालते हैं, अच्छी स्थिति इन ऑन पोजीशन क्या कहता है, जैसे अच्छे मतलब कि जैसे मान लो
वैद्युत विद्रुव के कारण, तो पहले वैद्युत विद्रुव तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बहुत अच्छी बात, वैद्युत विद्रुव तो बनाना ही बनाना, क्योंकि उसी के कारण ही हम तो निकाल रहे हैं। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी क्या है 2L है, वैद्युत विद्रुव है तो भाई 2L ही होगा। अब बीच की दूरी क्या है पी, ये बीच की दूरी क्या है जो मध्य बिंदु होता है, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो आधा आधा कितना होगा, तो ये आधा एल होगा और ये भी एल होगा सर जी, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। कह रहा अच्छी स्थिति में, तो इसका कहने का मतलब यह है, ये हुआ कि इसी अक्ष पर ही कोई बिंदु रखा है और उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोर्ड का ही बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। चलिए कहेगा अच्छी स्थिति में, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, अच्छी बात है। और अच्छी मतलब इसी के अक्ष पर, ये एक्स में है ना, तो इसी के अक्ष पर बना दिया, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आप ये भी समझे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब ये होता कि अगर हम कोई प्लस क्यू आवेश रखे हैं और यहाँ माइनस क्यू आवेश रखे हैं, तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मान लो वैद्युत क्षेत्र ऐसा है, कोई क्षेत्र है और वो वैद्युत है उसमें, अगर हम कैसे पाएंगे पता, हम आप आवेश ऐसे लेकर जाओ, ऐसे घुमाते ले जाओ ऐसे आवेश, और जहाँ जैसे माइनस आवेश होकर ले जा रहे हो, तो अगर इस पर अट्रैक्शन लगने लगे, क्या लगे, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल लगने लगे, तो हम कह देंगे कि बस को हम वैद्युत क्षेत्र में एंट्री मार चुके हैं। अब प्लस क्यू आवेश को ले जाओ, अगर जिस जगह ऐसे लेके जाए टू टू करने लगे, मतलब कि यहाँ जो फोर्स हो प्रतिकर्षण बल लगाने लगे, तो हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में हम एंट्री कर गए। अगर प्लस होगा तो उससे प्रतिकर्षण होगा और माइनस होगा तो अंदर की ओर आएगा। ये बात तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही है। चलिए यहाँ देखिए पी बिंदु है, अगर मैं कह दूँ कि इस प्लस क्यू के कारण हमें बिंदु पी कितनी दूरी पर है, तो हमने माना कि जो बिंदु पी है वो आर दूरी पर है। क्या माना, बिंदु पी है, मैंने यहाँ सबसे पहले क्या लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी लिया, जिसका आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है, ठीक है, उनकी बीच की दूरी कितना है 2L है। अब बिंदु ओ से, ये बिंदु ओ ले लो, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अब बिंदु पी तक आर दूरी तक हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बहुत अच्छी बात है, आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब ये बताओ, यहाँ से तो कोई वैद्युत क्षेत्र तो मिलेगा नहीं, किससे निकलता है, आवेश से, तो आवेश यहाँ है, आवेश कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा, ये बताओ, प्लस है, तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिकर्षण की आकर्षण, सर जी प्रतिकर्षण होता है, तो ये माना E1 है, ये क्या करेगा, इसके कारण आवेश को भगा देगा, इसके कारण, इस आवेश के कारण प्लस है, अभी मैं बताया हूँ, अगर प्लस रहेगा तो उससे क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये भगा देगा उसको, अच्छी बात है। अब ये माइनस है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, सर जी इधर होगा, अभी आप तो बताए हैं कि अगर माइनस होगा तो वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो अट्रैक्शन लगता है, मतलब उसकी ओर आता है, ठीक है, तो मैंने इसकी ओर बना दिया E2 बना दिया, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, E, बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा बताओ, जैसे मैं कहा यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ तक L है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, सर जी पूरी दूरी तो बहुत आसान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R और यहाँ तक L, तो क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा यहाँ तक की दूरी, अच्छी बात है। अब बताओ यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से और मतलब इस आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। अब जैसे मान लो कोई डंडा था, यहाँ पे कोई एक डंडा है, यहाँ से मान लो दूरी 10 है, यहाँ तक कितनी दूरी है 10, पूरी दूरी मान लो कितना है 10, और यहाँ कह दो कि 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, 2 हटा दो कितना बचेगा 8, तो वही मतलब घटा दिया, तो यहाँ दूरी L है और यहाँ तक दूरी R है, R में से L हटा दो तो क्या लिख सकते हैं, R माइनस L, अच्छी बात। अब देखो आपका सब कुछ मिल गया, अब बताओ E बराबर क्या होगा, डायरेक्ट E बराबर क्या होगा, आप वो सब लिख लेना जो ढिचमिच रहता है, कि एक दुई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए ओ बी, जिनमें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु ओ से बिंदु पी तक दूरी आर है, और वहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो E बराबर क्या होगा, E हम E1 जो मान होता है वो प्लस वाला है, तो प्लस हमेशा बड़ा होता है, इसलिए बड़े का माइनस छोटका, बड़े का माइनस छोटका होगा, मतलब E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2, देखो अलग अलग डायरेक्शन में तो घट जाएंगे, E1 और E2 अलग अलग है तो घट जाएगा। अब पहले E1 का मान तो निकाल लें, तो बताओ E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है सर जी 1/4π को हम ले ही लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं K Q/r², तो E1 का मान, ये जो E1 का मान है वो किसके कारण है, वो भगा रहा है, मतलब वो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण लिखेंगे K Q/r², तो R का मतलब दूरी कितना है, दूरी,
यहां से यहां तक की दूरी कितना है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ई टू का मान अगर हमें पता करना हो तो क्या होगा, ई टू का मान, ई टू का मान इधर डायरेक्शन है तो जाहिर सी बात कोई खींच रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखेंगे तो ऊपर आकर्षण लग रहा है, तो किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो इसके कारण क्या होगा, के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। गलत है कि सही है, गलत है, क्यों, क्योंकि सर जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस एल है, तो यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस समीकरण में रख दिया तो E बराबर हो जाएगा के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर और प्लस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ के क्यू कॉमन ले लेते हैं, जब यहाँ हम के क्यू कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ हम के क्यू कॉमन ले लेंगे तो E बराबर क्या होगा के क्यू, और यहाँ जब बचेगा एक, देखिए के क्यू ऊपर है, के क्यू ऊपर उठा लिए, किडनैप कर लिए, तो यहाँ बचा एक, यहाँ भी बचा एक, तो हो जाएगा एक बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है कि प्लस है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ये हो जाएगा एक बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छी बात है, यहाँ होगा के क्यू, के क्यू, अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही तो आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसका गुणा अगर हम इसमें करें तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, नीचे सर जी वही होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब ज़रा हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कहानी ख़त्म हो गया, जगह भी थोड़ा कम है तो क्या करें, तो इसको मिटा देते हैं भैया, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ के क्यू बचा, अच्छी बात है सर जी, अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस है, कोष्टक में रख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस है टू आर एल, ये हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, बटे सर जी आर माइनस एल, अगर हम इसको ऐसे कर लें आर माइनस एल और आर प्लस एल को हम पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, जैसे मैं कह दूं भैया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो क्या मैं इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर जी, अच्छी बात है। अब देखो आप छोटे क्लास में पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर हम के क्यू, के क्यू और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, माइनस का अगर गुणा हुआ तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू आर एल, ये कोष्टक में है, अगर माइनस एंटी करेगा तो सारा चिन्ह बदल जाता है, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला उसके ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर सब खत्म हो गया, टू आर एल और टू आर एल क्या हो जाएगा फोर आर एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू फोर आर एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ई बराबर हो जाएगा मेरा इतना हो जाएगा। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये ई बराबर क्या आ गया, ई बराबर मेरा ये आ गया। अब आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़े होंगे पी बराबर क्या होता है टू क्यू एल, वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला यही होता है। अब जब आप E बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे के क्यू, अगर मैं 2 इंटू टू कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू टू कर दिया दुई दूनी चार हो जाएगा इंटू आर इंटू एल, और बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है सर जी। देखिए 2 क्यू एल किसका मान होता है P का, तो वो भी रख लेते हैं, दो के पी लिख सकता हूँ ना इसको, अब बचा क्या 2R इंटू 2R और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं ये जो R होता है, ये जो R होता है वो मतलब L, L की बात कर रहा हूँ, ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी था R, जो जैसे यहाँ तक दूरी 2L था, अब ये L है, जो 2L था बहुत अल्प दूरी पर होता है वैद्युत द्विध्रुव, अभी तो L है मतलब छोटा है, तो बहुत छोट होगा, बहुत छोट होगा आर से, तो इसको हम एल बहुत छोटा है तो हम लिख सकते हैं क्या L बराबर जीरो हो सकता है, या ऐसे कहें कि R जो है बहुत 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 बड़ा है L से, तो L बहुत बड़ा है तो L क्या हो जाएगा जीरो नहीं हो जाएगा, बहुत छोटा है यार तो जीरो मान लो,
तो ये हो जाएगा के टू पी आर अपान, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, ये जीरो माने कुछ ना, ये जीरो रख देंगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, अब ये आर के पावर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर जी। अब थोड़ा इसको भी मिटा कर, क्या करें, जगह थोड़ा कम है बाबू, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको हम लिख देंगे के, इसको हम लिख देंगे के, इसको लिखेंगे टू पी आर बटे, ये हो जाएगा आर की पावर फोर, और एक आर से एक आर कट गया तो हमारा फार्मूला आ गया के टू पी बटे आर क्यूब, यही हमारा फार्मूला होता है। तो थोड़ा इसको सुंदर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा ई बराबर, पेन और कॉपी निकाल के एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, बहुत इस बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये सब। ई बराबर होगा एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा टू पी बटे आर क्यूब, ये हमारा हो गया फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। अच्छी बात है, ये किसके लिए है, अक्षीय स्थिति के लिए है। अब चलते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए लगाते हैं, निरक्षीय स्थिति के, ये समझा है ना, बहुत अच्छी बात है। इसको जोड़ा आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए खूब बढ़िया से, ठीक है सर जी। चलिए भैया अब निरक्षीय स्थिति लगाते हैं। निरक्षीय स्थिति में दूसरा क्या है, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में लगाते हैं। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति मतलब ये था, पहले तो द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे, क्योंकि निरक्षीय स्थिति निकालते हैं किसके लिए है? क्वेश्चन ये आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भैया, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुछ भी कर रहा है, तो इसके आगे पहले तो बना लेंगे, मास्टर तो हो ही गए। ये माइनस क्यों होगा सर जी, ये प्लस क्यों आवेश होगा, बीच की दूरी 2L होगी, बीच की दूरी क्या होगा 2L, बीच में मध्य बिंदु होगा O, मध्य बिंदु क्या होगा O, ये दूरी L और L हो जाएगी। अच्छी बात, निरक्षीय स्थिति में मतलब परपेंडिकुलर पर है, मतलब कोई बिंदु यहाँ पे है और हमें यही P है, मतलब की P। अच्छा बाप तो अभी अक्षीय स्थिति में कहाँ से निकालते थे, दूरी R कहाँ से होती थी, R वहाँ से होती थी सर जी, P और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी होती थी, तो यहाँ से दूरी कितना होता है था आर, तो ये भी आर होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, अच्छी बात है। अभी बला कैसे लगाएगा, तो बल इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा वो तो ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा सर जी, कैसे लगेगा, अच्छी बात, ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर होगा, प्रतिकर्षण की आकर्षण होगा। अभी मैं बताऊँ अगर प्लस क्यों रखा होगा तो उससे आप वैद्युत क्षेत्र निकलते हैं, तो ये निकलेगा तो ये ऐसे आ जाएगा, माना E1 है, माना क्या है E1 है, इसके कारण क्या होगा माइनस के कारण सर जी आकर्षण होगा, ये क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए E2 तो इधर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये माइनस था, माइनस मतलब आकर्षण होता है, और E का होता है प्रतिकर्षण होता है, भगा देगा उसको और ये बुला लेगा, आ जाओ, अच्छी बात है। ये एंगल थीटा, भाई थीटा तो बनबे करेगा, इसे झुका लोग तो रहा होगा कि थीटा बन रहा, ठीक, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, मानते हैं ना कि 2L2 है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए जब एंगल थीटा है तो मैंने क्या किया, ऐसे डाट 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 कर लिया, आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि अगर ये थीटा है और इसी के पार अगर हम मारे कुले लाइन खींच दें तो ये भी थीटा थीटा होता है, जानते हैं ना, हाँ सर जी एकांतर, हाँ बहुत अच्छा, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है सर जी। वो अगर ये थीटा तो ये थीटा नहीं होगा क्या, ये भी थीटा है सर जी, मान लीजिए ये भी थीटा है, तो ये थीटा है, तो एक बात बताओ ये एंगल कितना होगा सर जी, वो तो थीटा होगा, हाँ होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा आप एकांतर को नहीं पढ़े हैं, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, गुड, बहुत अच्छे, ये भी थीटा होगा, अच्छी बात है सर जी, ये E1 और ये E2, अच्छी बात। अब देखो क्वेश्चन, पहले जो मैं आपको समझाया हूँ कि जैसे दो बल लग रहा है, एक बल इधर है एक बल इधर है, अगर कोई बल तिरछा लग रहा है तो वो हम कैसे बता पाएंगे कि x डायरेक्शन है कि y डायरेक्शन, बता पाएंगे नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। अब तो बता लेंगे, क्यों, क्योंकि सर जी एक को हम x में तोड़ लेंगे y में और एक को x में तोड़ लेंगे, एक cos हो जाएगा एक sin हो जाएगा, हाँ सर जी तब का। देखो
अब हम थोड़ा इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा साफ लिखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे ले लिया पी, यहाँ पे भी ले लिया पी, और इससे निकलने वाले जो ई वन और इससे आने वाले ई टू बीच में डैश 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 कर लिया, और ये है थीटा और ए भी है थीटा। अब मैंने क्या किया, इस फोर्स को जो ए वन है तो कोई से तिरछा लग रहा, हमें नहीं पता कि एक्स में लग रहा है कि वाई में, नहीं लग रहा, पता नहीं चल रहा, तो इसको मैंने क्या किया दो भागों में तोड़ लिया, दो भागों में मैंने क्या किया तोड़ लिया। ठीक, इधर एंगल है, इधर एंगल है कि उधर एंगल है सर जी, इधर है, तो जिधर एंगल होगा उधर कॉस होगा, तो ये हो जाएगा ई वन कॉस थीटा, और ऊपर वाला का हो जाएगा सर जी ई वन साइन थीटा। अच्छी बात है, वो तो तोड़ लिया सर जी। ई टू तो एकदम पता नहीं चल रहा कि कौन सा डायरेक्शन में है, तो वो भी दो भागों में तोड़ लो, एक इससे और एक ऐसे तोड़ लिया सर जी। ये एक्स है, मतलब जिधर एंगल है इधर तो एंगल है, तो इधर क्या होगा सर जी, ये ई टू हो जाएगा ई टू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी ई टू साइन थीटा। ये इधर एंगल है तो उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, इधर एंगल में नहीं है तो इधर साइन हो जाएगा। अब चलो अब लगाते हैं। अच्छा, इधर वाला फोर्स और उधर वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सर जी कैसे कैंसिल हो जाएंगे? अच्छा चलो ठीक है बता देते हैं। बीच की दूरी कितना है r, बीच की दूरी कितना है r, और ये है l, तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण व कर्ण, कर्ण का दूरी कैसे निकालेंगे? सर जी कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर मतलब r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर, ये भी दूरी, ये भी दूरी सेम है। अच्छी बात है सर जी, बहुत अच्छी बात है, ये दूरी हमें मिल गई तो ये भी दूरी हमें मिल जाएगा, ये एल है ये आर है, तो ये भी आर स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर जी, अब हम जो किताबों में लिखा होता है कि जो ई वन साइन थीटा ई टू कॉस थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैसे निरस्त करते हैं वो भी हम बता देते हैं। देखो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर, अच्छा ऊपर वाले को प्लस लेते हैं, ऊपर वाले को क्या लेते हैं प्लस, तो ई वन साइन थीटा प्लस हो गया। नीचे वाले को क्या लेते हैं माइनस, तो नीचे वाले का डायरेक्शन ये है, मतलब हम समेशन ऑफ वाई कर रहे हैं, समेशन ऑफ वाई मतलब वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उनको हम जोड़ ले रहे हैं। ये इधर है तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस ई टू साइन थीटा। अब देखो ई वन का मान कैसे निकालेंगे सर जी, ई वन बराबर होता है क्यू, क्यू ई वन यहाँ है तो हो जाएगा क्यू, क्यू पहले के क्यू बटे आर स्क्वायर, आर का दूरी कितना है मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी नहीं लिया जाता, दूरी तो r मतलब ये होता है कि ये बिंदु और आवेश के बीच की दूरी कितना वही r होता है, ये तो हम माने कि r दूरी पर है, तो ये इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी सर जी, यही तो है, तो हो जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है सर जी, माइनस e2 बराबर क्या होगा, e2 बराबर तो यही है, तो हो जाएगा k q, माइनस नहीं लिखा जाता। ठीक है, देखिए E2 बराबर क्या होगा, ये बताता है अगर माइनस है तो ये बताता है कि वहाँ आकर्षण लग रहा है, माइनस हम नहीं लगाएंगे, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर, आर का दूरी कितना मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना सर जी, वही दूरी है क्या है आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन थीटा है तो लगा दिया। अब देखो दोनों को शकल एक तरीके से इसलिए कट गया, इसलिए कहा जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो इसको निकालने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए ना कि निरस्त करते हैं, अच्छी बात है। अब इसका जो मेन तरीका है वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखेंगे जब बोर्ड में, तो ये लिखेंगे कि e1 sin थीटा e2 cos थीटा एक दूसरे को निरस्त कर दिए। अब e बराबर क्या होगा, देखो ये भी यही डायरेक्शन में है और ये भी यही डायरेक्शन में है, तो दोनों जुड़ जाएगा e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। cos थीटा दोनों में कॉमन है तो दोनों को उठा किधर कर लेंगे, तो हो जाएगा cos थीटा, अच्छी बात। e1 का मान निकालो, e1 का मान निकालो, तो e1 का मान हो जाएगा सर जी के क्यू बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है सर जी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा के क्यू बटे अंडर रूट में यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दिए। सेम चीज़ यह है, ये सेम चीज़ यह है, तो जैसे मैं कह दूँ एक्स प्लस एक्स कितना होता था जी, टू एक्स होता है, तो सेम प्लस सेम के क्यू बटा इतना स्क्वायर प्लस के क्यू बटा इतना स्क्वायर, एक के क्यू बटा इतना, एक के क्यू बटा बराबर दुई के क्यू इतना बटा स्क्वायर हो जाएगा, अच्छी बात है। तो हम मैंने ये लिख लिया टू कॉस थीटा, ये एक्ट हो जाएगा के क्यू बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर, क्योंकि एक चीज यह है एक कॉस के क्यूब अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एक के क्यूब बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर टू के क्यूब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छी बात है सर जी। अच्छा अब यहाँ अगर कॉस थीटा का मान निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, जो बचा कुचा जो पुटनी बचा उसे क्या कहते हैं आधार। तो आधार का मान कितना होता है एल, कर्ण का मान तो हम जानते हैं सर जी आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर रख दिए। अब देखो अब मैंने क्या किया, इधर टू रखा, इधर के क्यू बटे अंडर रूट में अंडर रूट को हटा दिया। जैसे मैं कह दूँ कि अंडर रूट एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर जी, एक्स के पावर एक बटा दो, मतलब ये जो रूट रहता है वो एक बटा दो होता है पावर में। तो इसको हमने क्या किया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर एक बटा दो हो जाएगा। और कॉस थीटा का मान हम रख देते हैं, कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का एक बटे दो हो जाएगा। रूट को हटा दिया उसके पावर एक बटे दो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अच्छा अगर मैं कह दूँ एक्स इंटू एक्स लिखा तो क्या होता है सर जी, घाते जुड़ जाती है, इस पर एक है इस पर एक है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वन प्लस वन अर्थात एक्स की पावर दो हो जाएगा। तो सेम वही तरीका है, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब दोनों सेम सेम चीज़ है, तो घाते जुड़ जाएंगी, तो आधा आधा कितना होता है एक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू के क्यू टू के क्यू टू के क्यू एल, एल है पूरा लिख लिया ऊपर वाला, बटे ये घाते जुड़ जाएंगे तो आधा प्लस आधा बराबर एक हो जाता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा कैसे घाते जुड़ गया, तो जोड़ के भी बता देता हूँ, बहुत लोग कहेंगे भैया कैसे जुड़ गया, तो वो बता दें। देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर एक बटा दो इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर एक बटा दो, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर एक बटा दो प्लस एक बटा दो, लाशापा दोनों का दुई है, दुई बटा दुई कट जाएगा एक आ गया, इसीलिए यहाँ देखो ये है। अच्छा वैद्युत द्विध्रुव पी बराबर क्या होता है टू क्यू एल, हेरो खोजो इसे, टू क्यू एल मिल गया सर जी, बल्ले बल्ले। तो ये हमारा हो जाएगा पी, टू क्यू एल को क्या बोलते हैं पी, तो हो जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ देखिए ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये क्या है होल स्क्वायर है। तो सर जी ये जब पूरा होल स्क्वायर है तो लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भाई अंडर रूट का अगर हम किसी भी अंडर रूट का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो जब यहाँ हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है, तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं ज़रूरत है सर जी। इसको लिखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये कॉस थीटा का मान है, कॉस थीटा का मान कितना आया था अभी एल बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आया था। यहाँ देखिए अब गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, सॉरी गलती हो गया था, अब गुणा में जब घाते जुड़ती हैं तो ये बताओ ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर एक इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर एक बटा दो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर वन प्लस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर दो एक दो एक तीन बटा दो हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख लिया के टू क्यू एल अपान, मैंने टू को इधर कर दिया टू क्यू एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर तीन बटा दो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आप जैसा कि जानते हैं कि जो आर का मान बहुत 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 बड़ा होता है एल से, एल तो बहुत छोटा है, एल वैद्युत द्विध्रुव और छोटा, पहले टू एल था अब और छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, मतलब जीरो, इसका मान क्या रख देंगे जीरो रख देंगे, तो पूरा सिपिट हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो आर स्क्वायर के पावर तीन बटा दो का मान कितना होगा, तो वो भी बता दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा e बराबर, ये हो जाएगा k, ये p का मान है, किसका मान है p का मान, और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर की पावर तीन बटा दो, दो से दो कट गया, आई मीन मेरा आंसर आ गया e के बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे ये r क्यूब। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। अब चलिए हम किसी भी स्थिति के लिए निकालते हैं।
अब किसी भी स्थिति के लिए निकाल लेते हैं भैया, एनी पॉइंट लिख देते हैं, एनी पॉइंट हमारा भारत है, यहाँ दो दो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है, तो समझिए पहले एनी पॉइंट मतलब किसी भी स्थिति के लिए, तो किसी भी स्थिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे ही बनाएंगे, आप लोग तो जान चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, बीच की दूरी 2L जानते हैं, और मध्य बिंदु है O। मैंने बिंदु P यहाँ लिया, इसी बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, मान लीजिए कोई थीटा एंगल है, यहाँ बिंदु P है और थीटा एंगल पर झुका हुआ है, किसी बिंदु पर हमें निकालना है P। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, अगर अक्षीय स्थिति में निकालना हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला क्या आया सर जी, 1/4πε0 2π/r³। और निरक्षीय स्थिति के लिए 1/4πε0π/r³। अच्छी बात है सर जी, अगर ये थीटा है तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक इधर और एक इधर, ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। कैसे सर जी, प्लस क्यू के लिए हमेशा E1 ही मानते हैं, ठीक है। चलिए सर जी, वो थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर कोई दो फोर्स लगते हैं कोई, तो इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो E बराबर कैसे निकालते हैं, E बराबर सर जी अंडर रूट में E1² + E2² और E1 E2 cos थीटा नहीं लेते, क्योंकि हमेशा cos थीटा का मान 90 डिग्री मानते हैं, लग रहा होगा कि 90 डिग्री है इसीलिए, ठीक है सर जी 90 डिग्री नहीं है, लग रहा है भाई तो है ही, ठीक। अब इसका हम रिजल्टेंट निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले बताओ E1 का मान कितना होगा सर जी, E1 का मान होगा, ये E1 है निरक्षीय स्थिति में है या अक्षीय स्थिति में, तो ये सर जी अक्षीय स्थिति में है, तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट में लिख लेता हूँ E1 का मान, यही होगा समीकरण नंबर 1। अच्छा आपने ध्यान नहीं दिया कि जो E1 होता है, अगर इधर थीटा है तो इधर क्या होता है कॉस होता है, उधर क्या होता है साइन होता है, तो मैंने क्या किया इसमें कॉस थीटा जोड़ दिया और इसमें साइन थीटा जोड़ दिया। अब ई बराबर टोटल क्या आ जाएगा सर जी, तो बहुत सिंपल था, अंडर रूट में E1² और प्लस E2² अंडर रूट में, इसका रिजल्टेंट निकल गया, बहुत अच्छी बात है सर जी, हम तो बहुत तेज हो गए। अब ई बराबर क्या होगा, अंडर रूट में जब आप रखेंगे इसका, इसका जब आप रखेंगे तो आप तो सॉल्व कर लेंगे, चलो हम ये कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा K2π/r³ R³ cos थीटा का होल स्क्वायर भाई E1² + E2² इसको थोड़ा हम इसे मिटा देते, क्या करें जगह ये बहुत कम है ना, यहाँ माइनस क्यू है और प्लस E2 का मान कितना है, ये K P/r³ sin थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। यहाँ से कुछ कॉमन लग ही रहा होगा, बहुत कॉमन लग रहा है सर जी, के भी ले ले, पी भी ले ले, R³ भी ले ले, सब कुछ ले ले, तो या तो आप डायरेक्ट फार्मूला E बराबर यही अप्लाई कर दें, या तो आप E बराबर डायरेक्ट यही अप्लाई कर दें, या कुछ और कर दें, जैसे अगर इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो E बराबर हो जाएगा, ये अगर मैं E1 कॉमन ले लूं, जैसे ये हो जाएगा अंडर रूट में, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, देखो इसको थोड़ा मैं सुंदर बना दूं, ये हो जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी K² 2×4π² / r⁴ हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos²θ प्लस ये हो जाएगा K²P²/r⁴ इसका भी स्क्वायर इंटू sin²θ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है सर जी। अब मैंने क्या किया, K² को बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा K, भाई K का वर्गमूल क्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, नहीं तो ऐसे समझो अंडर रूट में कॉमन ले लो, तो यह हो जाएगा K² कॉमन ले लिया सर जी, यहाँ P² कॉमन ले लिया और इधर R⁴ कॉमन ले लिया, तो बचा का बचा 4cos²θ और प्लस sin²θ, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब मैंने क्या किया, इस सबको बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा KP हो जाएगा, क्या हो जाएगा KP भाई, जब बाहर निकलेगा तो ये अंडर रूट है, मतलब R⁴ / 1/2 आएगा, तो क्या हो जाएगा R³ हो जाएगा, तो R जब क्यूब हो जाएगा तब अंडर रूट में बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा सर जी, इसको मैं लिख लेता हूँ 4cos²θ + sin²θ
थीटा। अब आप छोटे क्लास में या क्लास 11 10 में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सर जी एक होते हैं, तो बहुत आसान है सर जी, वो जानते हैं। अब मैंने क्या किया कि पी बटे आर क्यूब, मैंने इसको थोड़ा सुंदर के लिख लिया, इसको मैं लिख दिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो वही तो आएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ इसका मान कितना हो सर जी, एक, तो लिख लेता हूँ। तो E का हमारा एक फार्मूला आ गया के पी बटे आर क्यूब अंडर रूट में 3 कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा एक और थोड़ा और फार्मूला आ गया, फार्मूला वही था बस उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। आई होप कि ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कंपटीशन के लिए, चाहे आप क्लास 12th में हो तो वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसा कि ये नहीं आता है ज़्यादातर अक्षय और निरक्षय आता है, ये मैंने इसको थोड़ा आप लोग को बोनस दे दिया। आई होप कि अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भैया सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जिन्हें सब्सक्राइब किया जिन लोगों ने उनका तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।